राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सदगुरु जी चरण कमले को नमो नमः। हमें नीति और शास्त्र के श्लोकों में पांच चीजों को बड़े संभाल करके रखने की शिक्षा दी जाती है। बार बार ये हमें चेतावनी दी जाती है कि ये जो पांच चीजें हमको प्राप्त हुई है, इनकी बड़ी सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। पहला समय, दूसरा व्यक्ति का स्वास्थ्य, तीसरा संबंध, चौथा संतति और पांचवा संपत्ति। ये पांचों मनुष्य को समय को बड़ा संभालना चाहिए, क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म है, इसको अनमोल रत्न धन खान, ये वो अमूल्य रत्न है जिसमें भगवत प्राप्ति संभव है। और जो भी आपको भगवान द्वारा दिया गया है, वो सब साधन है कि इसका उपयोग कर करके आप भगवान तक पहुंच जाए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको एक वाहन भेजा और उस वाहन के साथ आपके आराम के लिए एक तकिया, रास्ते के लिए भोजन पानी सारी सुविधा दे दी, और वो सुविधा इसीलिए कि उन सब चीज़ों का उपयोग कर करके आप जिस व्यक्ति ने आपको यह रथ दिया है उस व्यक्ति तक आप पहुंच जाए। लेकिन आप अगर अब उस रथ का उपयोग तो करो, उसमें शयन भी करो, भोजन भी करो, आराम भी करो, लेकिन उस रथ को लेके ही घूमने लगो तो उस रथ देने वाले की कोई गलती नहीं। और ये व्यक्ति, डोगरे जी महाराज कथा सुनाते थे, किसी सेठ जी ने एक कुआं खुदवाया और उस कुएं पे लिख दिया, इस कुएं में कूदना मना है। और जितने लोग आए वो बड़े ध्यान से देखे उस बोर्ड को, भाई कुएं में कूदना मना है, इसका मतलब क्या है? ये जो भगवान ने संसार बनाया है, आप और हमारे लिए ही बनाया है। जैसे उस कुएं के पानी से व्यक्ति अपने कपड़े धो सकता है, अपना भोजन तैयार कर सकता है, खेतों की सिंचाई कर सकता है, और जितने भी उस जल के द्वारा उपयोग आने वाली चीज़ें हैं उसका उपयोग कर सकता है। तो उपयोग करना तो गलत बात नहीं है, लेकिन वो इसमें कूद जाए ये तो बड़ा गलत है। ऐसे ही ये भगवान ने जो संसार बनाया है आपके लिए बनाया है, आप इसमें सब चीज़ का उपयोग करें लेकिन इसमें कूदो मत। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, जैसे राई की दाने की पुड़िया अगर एक बार खुल गई और दाने बिखर गए तो चुनना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही मन को अगर आपने संसार में बिखेर दिया और आप सोचो कि अब इससे मैं हट करके भगवान की ओर लग जाऊंगा तो बड़ा मुश्किल है। तो पांच चीजों को बार बार संभालने की बात की गई। मनुष्य अपने संबंधों को संभाल के रखे, संबंध बड़े मूल्यवान हैं, संपत्ति बड़ी मूल्यवान है, संतति हमारी संस्कारी बने, और पांचों चीज के लिए व्यक्ति पूरा जीवन भर प्रयास करता है। इसलिए ये जो पांच चीजें बताई गई, स्वास्थ्य, ये जो मनुष्य का शरीर है, शरीर मध्यम खलु धरु साधनम, सब चीज का साधन शरीर ही है, इसलिए इस शरीर को संभाल के रखिए। जो आपके पास समय मिला है उसका बड़ा सदुपयोग करिए। कबीर कहते हैं, श्वास श्वास में जात है तीन लोक को मोल, इतना मूल्यवान ये मनुष्य का शरीर है कि एक श्वास में तीन लोक का मोल जाते हैं। समय की कीमत करिए, हर काम को समय पे करने की आदत डालिए, दीर्घ सूत्री ना बने। संबंधों में एक दूसरे के प्रति आदर, एक दूसरे के प्रति स्नेह, और एक दूसरे के प्रति जो जवाबदेही है उसको निभाते रहें। उस संबंध हमारे कर्तव्य परायण होते हैं, माता पिता की सेवा है, गुरुजनों की सेवा है, उनको कर्तव्य दृष्टि से करें। जो भी संबंध हमको मिले उसको सहेज के रखिए, और
कबीर इतनी बड़ी घोषणा करते हैं, मुए को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ी आग और जीव चिंता जो करे ताको बड़ो हवा। अरे मरे व्यक्ति को भी भगवान कपड़ा लकड़ी आग दे देता है, जो जीवित जीतता करता है उसका तो बड़ा अभाग्य है। इसलिए जीवन में जो मिला है, संतति मिली है, बड़े प्रेम से उसको रखिए, अच्छे संस्कार उसको दीजिए, अच्छे से उसका पालन रक्षण करिए। संपत्ति मिली है, बड़े सावधानी से उसको खर्चा करिए। जब विपत्ति आती है तो कहते हैं विद्या कंठ की, पैसा गांठ का ही काम आता है। ये आपके लिए बड़ा आवश्यक है कि ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसी के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आप कैसे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट्स के जरिए अपने सुझाव दें। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करें।